ये है प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ। हेलो पीछे जल्दी। वाह ओके। ये आपने बंद किया रूफ के साथ, विंडो बंद करते हैं तो ये पूरी तरह एक सील्ड यूनिट है, खिड़की है, कॉन्सेप्ट में विंडोज प्रोवाइड करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम्र, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू एसटेक 2022 और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जो विंडोज़ एंड डोर्स मैन्युफैक्चर करते हैं और आज इन्हीं से बात करने वाले हैं। अगर आपको इन प्रोडक्ट्स की नीड है या इस तरह के बिजनेस में आप आना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून सर। एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे अपने बारे में। ओके, मेरा नाम दिग्विजय सिंह है, मैं इस जर्मन कंपनी में काम करता हूँ। लिंगल जो है वो ऑलमोस्ट 1959 से विंडोज़ बना रही है। वी आर दी ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। इंडिया में हम 2006 से काम कर रहे हैं। हम लोग एल्युमिनियम और UPVC दोनों में डील करते हैं। पैन इंडिया हमारा सेटअप है, हेड ऑफिस हमारा गुड़गांव है, भिवाड़ी मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ऑलमोस्ट 2.25 लाख स्क्वायर फीट एरिया में एक पूरा का पूरा सेटअप इस्टेब्लिश है। लिंगल में हम हमेशा देखते हैं कि क्वालिटेटिव विंडोज़ जो एक सही प्रोडक्ट और सही सिस्टम में हर एक बायर के पास पहुंचे। आप देखेंगे पीछे मैंने हर एक सिस्टम डिस्प्ले किया हुआ है। कुछ विंडोज़ मेरी मेड इन जर्मनी हैं, कुछ विंडोज़ मैं इंडिया में ही बनाता हूं, सो दैट मेरे हर एक कस्टमर के पास उसकी रीच पहुंचे। ये हमारा ग्लास रूफ है, पीछे आप देखेंगे, यस, इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो ये हम लोग हमेशा हिल स्टेशन पर रेफ़र करते हैं, जहाँ पर आप अगर चाहें तो इसको एज अ खिड़की की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप अगर इसको खोलेंगे तो आपको एडिशनल एक 3 फुट बाय 4 फुट की बैल्कनी मिल जाती है। ये ओपन करने खोलने के लिए। हाँ जी बिल्कुल, आपको अभी डेमो दिखाएंगे। ये आपने बंद किया रूफ के साथ, विंडो बंद करते हैं तो ये पूरी तरह एक सील्ड यूनिट है, खिड़की है। अच्छा। अगर आपको सिर्फ हवा लेनी है तो आप सिर्फ विंडो खोलेंगे, सिर्फ विंडो। ये कॉन्सेप्ट है। सो ये मेड इन जर्मनी है, हम लोग एक्सक्लूसिवली इंडिया में इसको इम्पोर्ट करते हैं और पैन इंडिया कहीं भी आप बोलेंगे हम उसको इंस्टॉल करके देते हैं। ये जो ये पूरा सेटअप आप बनाते हैं विद ग्लास जी, तो ग्लास किस तरह के यूज़ करते हैं आप? इसके इसके अंदर हम लोग ग्लास जो यूज़ करते हैं हमेशा एक सिक्योरिटी ग्लास प्रेफर करते हैं, क्योंकि आप बैल्कनी बना रहे हैं, इसमें सेफ्टी हैजर्ड भी हो सकते हैं। कभी अगर मान लीजिए किसी ने कुछ पत्थर फेंका टूटा तो इसको गिरना नहीं चाहिए, इसके लिए हम इसको लैमिनेटेड करते हैं ताकि अगर वर्स्ट केस में कोई पत्थर मारता है तो ये ग्लास वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। अच्छा। गिरेगा नहीं। आप अगर पीछे देखते हैं हम लोग इसमें हैमर टेस्ट भी करके दिखा रहे हैं। अच्छा। ये जो खिड़की है ऑलमोस्ट 70 हैमर ले चुकी है। अच्छा। हाँ, जिसमें 70 हैमर्स के बाद भी ये गिरेगी नहीं। अच्छा, 70 हैमर्स के बाद अभी हो चुके हैं। आप चाहें तो आप 25-30 हैमर आपको ट्राई कर सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट की हम मिररिंग इसमें देते हैं आपको। प्रोडक्ट रेंज में मैं आपको 500-600 रुपये से स्टार्ट करता हूँ और ऑलमोस्ट 4,000-4,500 रुपये स्क्वायर फीट तक का आइटम मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, जिसके अंदर हर एक हाई एंड प्रोडक्ट से लेके एक इकोनॉमिकल बजटरी हाउस के लिए भी हम लोग प्रोडक्ट देते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल रूफ के लिए जो इंडिया में बहुत कॉमन है, उसके लिए हम लोग एक वर्टिकल रूफ देते हैं। आप देखेंगे तो रिमोट से ऑपरेट होती है और 40 डिग्री एंगल तक खुलती है। उसके बाद वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा इसके लिए। और मान लीजिए अगर आप घर पे नहीं हैं, ये विंडो खुली हुई है या बारिश शुरू हो गई, उसके लिए इसमें सेंसर सिस्टम भी हैं, ऑटोमेटिकली पानी पड़ते ही बंद हो जाएगा। तो वो सेफ्टी भी पूरा ध्यान में रखा गया है। अगर कोई बंदर इस पर जंप करता है, बगलरी होती है, तो भी ऑटोमेटिकली शट होती है। तो ये सारे ऑप्शन रखते हैं। इसके अलावा आप एल्यूमिनियम में डोर देख रहे हैं, ये मेन डोर की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर कई सारे डिज़ाइन एलिमेंट हैं, डोर है, लॉकिंग प्रोविजन है, फुल सेफ्टी फुल सिक्योरिटी के साथ विंडोज़ हैं, कई सारे कलर रेंज हम ये अलग कलर ऑप्शन आपके पास मिल जाएंगे, अलग अलग कई सारे कलर शेड हम आपको रखते हैं इसके अंदर। UPVC के अंदर भी काफ़ी सारे कलर ऑप्शन हैं और एल्युमिनियम के अंदर भी ऑफकोर्स काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, दोनों UPVC भी होगा और एल्युमिनियम में भी होगा, दोनों में आप? जी जी जी, ऑप्शन तो हमें रखने ही पड़ेंगे सर। अच्छा, क्योंकि कई बार आप कहते हैं मुझे वाइट लुक पसंद है। अच्छा। आप कहते हैं मुझे ब्लैक चाहिए, ग्रे चाहिए। अच्छा। वुड फिनिश चाहिए। अभी स्टॉल में ऑलमोस्ट हर एक ग्रेड हमने लगा। ये वॉलनट फिनिश का सिस्टम है, आप देखेंगे डिस्टेंस से आप महसूस भी नहीं कर सकते कि वुड है या PVC है। तो वो भी प्रोडक्ट मैं आपको सप्लाई करता हूँ। बजटरी कॉस्ट में, एक इकोनॉमिकल प्राइसिंग में हम लोग बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, ये स्लाइडिंग है, मेश के भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हम रखते हैं, ताकि मैश जाली को लेके हमेशा एक वो रहता है
कि जाली फट जाएगी या उसमें बल्जिंग वगैरह आएगी। इस जाली को आप देखेंगे अमेरिकन इम्पोर्टेड यूएस इम्पोर्टेड मैश है, इसमें कभी भी बर्गलरी और इसका ऑप्शन नहीं होता है। अच्छा, इसमें कभी भी बल्जिंग नहीं आता है, तो एक अच्छी मैश है। ये यूपीवीसी होगा या? ये यूपीवीसी है सर, वुड फिनिश के अंदर है। ये शेड नंबर अलग है, आप देखेंगे वो अलग शेड था, ये शेड अलग है। सामने एक खिड़की लगी हुई है, वो भी यूपीवीसी है। इनफैक्ट मैं इंडियन कस्टमर्स को कई बार जैसे होता है कि हमें ग्रिल चाहिए, सेफ्टी के लिए बिना ग्रिल के आप कहते हैं मैं अपना घर विजुलाइज नहीं कर सकता, मैं उनके लिए ग्रिल भी प्रोवाइड करता हूँ। हर एक कॉन्सेप्ट, आपको एक कॉलोनियल लुक चाहिए तो ये कॉलोनियल लुक है जिसमें हम आर्क कॉन्सेप्ट में विंडोज प्रोवाइड करते हैं। ये आपने विंडो बंद की, पूरी तरह एयर टाइट होगी, फ्रेम भी आर्क है, पल्ला भी आर्क है, ये भी कॉन्सेप्ट मैं आपको रखता हूँ। हर एक विंडोज में जालियाँ, ग्लासेस और सेक्शन, जो भी आप यहाँ कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो यूपीवीसी और एल्युमिनियम दोनों में रेप्लिकेट हो सकता है। और जैसे इन सब प्रोडक्ट्स की अगर बजट की बात करें, किस तरह के बजट में आते हैं? सर मैंने जैसे कि बताया था आपसे कि 500-600 रुपये से मैं शुरू करता हूँ और लगभग 2000 रुपये स्क्वायर फीट तक मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ आपको। अच्छा। अगर कोई स्पेशल डिमांड है, जैसे मैंने आपको वो ग्लास रूफ दिखाया, वो एक हाई एंड प्रोडक्ट है, वो ऑलमोस्ट अगर वो एक कॉन्सेप्ट बात करते हैं तो 6-7 लाख रुपये का एक यूनिट मेरा आता है। ये 2 लाख रुपये की विंडो है जो आपको मैं बाहर डिस्प्ले कर रहा हूँ, वेलुक्स एक जर्मन कंपनी है, वहाँ से हम इसको लेते हैं। जैसे अगर बिजनेस की बात करें, एज ए बिजनेस देखिए, किस तरह से आप बिजनेस करते हैं? सर हम यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग का प्लान करते हैं, हम बीच में डीलरशिप रखते हैं बट केवल बेचने तक, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का राइट उनको नहीं देते हैं। बिकॉज हम देख रहे हैं जो इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है वो ये है कि लोग ऑर्डर ले लेते हैं और फिर छोटे छोटे सेटअप में उसको बनाना शुरू करते हैं। उस केस में क्या ना, मशीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आप किस कैलिबर की मशीन्स पे इसको बना रहे हैं वो उसकी क्वालिटी डिफाइन करती है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग मैंने अपनी यूरोपियन रखी है, मैं ट्रेडिंग देता हूँ आगे। अच्छा, तो वो एज ए ट्रेडर से वो जुड़ सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, बट मटेरियल की क्वालिटी, प्रोडक्ट क्या जाएगा ये मैं डिसाइड करूँगा, मेरी क्वालिटी मेंटेन रहेगी। अच्छा, क्या किस तरह की वारंटीज है अगर सर्विसेज की बात करें? मैं आपको अनकंडीशनल 10 ईयर्स की वारंटी प्रोवाइड कर रहा हूँ इसके ऊपर। अच्छा। जिसके ऊपर कलर्स पे आप देखेंगे मैं आपको 15 ईयर्स की अनकंडीशनल वारंटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इंडिया में मैंने बताया 17th ईयर है ये, तो हम अपनी ऑलमोस्ट 2 डेकेड पहुँचने वाले हैं वारंटीज के। अच्छा। तो उसकी भी लाइफ लॉन्ग आपको चीज़ें मिलती हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो कैसे कॉन्टैक्ट करें? आप हमारे कस्टमर पोर्टल पे आ सकते हैं, आप गूगल पे लिंगल टाइप करिए, आपको सारा डिटेल मिल जाता है। अभी कार्ड शो कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, मैं आपको, ये हमारी HR हैं, आप इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड सर, एट लास्ट में आप अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? सर बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इंडिया में जैसे कि मैंने कहा हम जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है, हम कभी भी प्राइस सेंसिटिव मार्केट में नहीं करते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि जी आप कस्टमर की सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है, प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट है और वो हमारे लिए सबसे प्राइम कंसर्न है। आपकी विंडोज़ आपके पास एक जनरेशन के लिए लाइफ टाइम फ्री रहेंगी, आपको कोई सर्विस की ज़रूरत नहीं है, आपको दोबारा हर बार हैंडल में प्रॉब्लम है, इन चीज़ों में इशू है। सो वी वॉन्ट टू गिव यू अ टेंशन फ्री प्रोडक्ट फॉर दी वन जनरेशन, 40 साल, 50 साल, 60 साल। चलिए, थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।